सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 9 और मौसम भी बढ़िया है, अभी धूप भी लग गई है और हरदीप आज घर में नहीं है। और हरदीप के पापा तो गए हैं अभी मिस्त्री के पास दरवाजे के लिए लकड़ी छोड़ने को। और आज है करवा चौथ, तो सभी माताओं बहनों और बेटियों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिन जिन ने करवा चौथ के व्रत रखे हैं ना, तो सभी लोग उनका ध्यान रखें। मतलब जिन जिन की पत्नियों ने करवा चौथ के व्रत रखे हैं ना, तो उनको खुश रखिएगा। मतलब आज के दिन तो, क्योंकि सारा दिन भर भूखी प्यासी रहती है वो। जिस तरह से कि हर लोग ना अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, तो उसी तरह से ही सभी आज के दिन अपनी बहू को भी खुश रखिएगा और खुश देखिएगा जिन्होंने व्रत रखा होता है। और हमने तो व्रत रखा नहीं है, और हमने रखा भी नहीं है आज तक, कभी किया भी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे टाइम में इतना पता भी नहीं था, नॉलेज नहीं था करवा चौथ के व्रत के बारे में। तो तब शुरू से किया ही नहीं है, तो अब तो बुढ़ापा आ गया है, तो अब तो व्रत क्या करना है। और अब तो हर घर में व्रत की जानकारी है ही है कि करवा चौथ का व्रत क्या होता है, तो हर लड़कियां जानती ही जानती है। तो शादी के बाद तो हर लड़कियां व्रत करती ही करती है फिर। और हमको तो करनी है अपने घर की साफ़ सफाई, क्योंकि हमें दिवाली को अपना घर कम्प्लीट करना है, साफ़ सुथरा रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिए। और आज हमारे पेंटर ने भी बोला है आने को, तो जब आएंगे तभी पता चलेगा कि आ जाएंगे या नहीं। तो अगर आ गए तो आज से फिर हमारा पेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। और मैंने अभी स्वेटर पहन ली है, क्योंकि मुझे ना एक तो वैसे भी सर्दी जुकाम हुआ है, तो यहाँ पर फिर ठंड लग रही थी, तो मैंने बोला कि चलो स्वेटर ही पहन लेती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये जो हमने लोहा काटा है ना, उसका जो छोटे छोटे पीस बचे हैं, मतलब कबाड़ बचा है, तो उसको इकट्ठा करके रख लूँगी मैं, और फिर वो बिक जाएगा मतलब कबाड़ी के भाव में। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पीस सारे पड़े हैं ना, इनको इकट्ठा करके रख दे रहे हैं एक जगह। लोहे का भी स्टेज तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, तो एक पिपा तो यहाँ पे भरा है मैंने, बाकी दो बर्तनों में पीछे भी रखा है इकट्ठा करके। और इस स्टेज को सारे ना इकट्ठा करके हम ना ऊपर वाली छत पे रख लेंगे, पर अभी घर में है नहीं कोई भी, तो एक आदमी पकड़ने वाला चाहिए ऊपर छत पे, और एक आदमी नीचे से पकड़ाएगा। और ऊपर छत पे भी बहुत सारे सामान है उठाने को, लकड़ियाँ वगैरह है ऊपर भी इकट्ठी करने को, तो चलिए ऊपर भी ले चलती हूँ आपको। और ऊपर वाली छत बनी है हमारी ना, तो ये छत हमारी तीसरी मंजिल को बनी है, तो यहाँ पर लगाई है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दरवाजा छोड़ा था एक ना, ये तो पहले से ही छोड़ा था, जब हमारी ये ऊपर वाली छत बनी थी ना, तो तब का ही हमने दरवाजा तो यहाँ पे छोड़ा ही था अंदर आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सामान वगैरह भी रखना होगा ना, तो फिर तब दरवाजा बंद कर लिया आपने। और अंदर यहाँ पे ये देखिए लकड़ियाँ वगैरह पड़ी है, इकट्ठी करके फेंकी थी ऊपर। और यहाँ पे अभी सीलिंग करवाई है ना, तो इनको भी ऐसे ही बिखेरा हुआ है, ये ऊपर रखी थी फिर इनको साइड में करते रहे, और अभी तो सीलिंग भी कम्प्लीट हो गई है यहाँ पे, तो इनको भी अच्छे से सेट करना होगा। और झाड़ू भी है यहाँ पे लगाने को। ये देखिए यहाँ पे तख्ते वगैरह रखे हैं हमने, सेटरिंग के रखे हैं खोल करके ना, और वहाँ पे पीछे को ये देखिए हॉल जैसा बन गया है अभी हमारे ऊपर छत पे। और हाइट भी काफ़ी है छत की, ये देखिए मैं यहाँ पे पूरी खड़ी होकर के दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये देखिए मेरे सिर के ऊपर थोड़ी सी जगह रह गई है ऊपर, ये देखिए, तो पूरा आदमी यहाँ पे खड़ा हो सकता है आराम से। तो अभी मैं ऊपर से फिर से नीचे आ गई हूँ, और आज मैं ना पेंटर का इंतज़ार भी कर रही थी, मैंने बोला था वीडियो में कि आज हमारे पेंटर भी आने वाले हैं, तो वो आज आए नहीं। वैसे आज आते तो अच्छा होना था, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो जाना था, और रसोई हमारी मतलब पूरी तरह से फिर कम्प्लीट हो जानी थी, और इसमें फिर हमने सामान भी रखना था, मतलब फ्रिज वगैरह भी ले आना था नीचे से, फ्रिज अभी हमारा नीचे है, तो लाइट तो लग गई है, कलर वगैरह हो जाता तो फिर फ्रिज भी यहीं पर हो जाना था, और तब तक मिस्त्री भी हमारे दरवाजा भी बना ही लेंगे, दरवाजा खिड़की कमरे के लिए। और यहाँ पे हमारे चंदा को ये देखिए ये कैसे लेट रही है, क्योंकि ये कर रही थी यहाँ पे मस्ती, भाग रही थी ये ना, तो ये थक गई है और इसकी सांस फूल गई होगी, ये देखिए पर अभी भी मान रही है। ओ बच्चे को कहा हुआ, थक गया बच्चू, थक गया बच्चू, और बच्चा थक गया, थक गया, थक गया बच्चू, थक गया बच्चू, थक गया बच्चू, बस था बस बस बस, ओ देखिए वहाँ पे फिर बैठ गई बस था बस बस बस,
और ये हमारी चंदा ना यहाँ पे घूमती रहती है, अगर इसको यहाँ पे खुला छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे होती है इसकी मम्मा, तो इसके चारों तरफ को ऐसे ही राउंड लगाती रहती है बार बार। तो अभी भी पता नहीं कितने राउंड लगा दिए इसने, और ये थक गई और इसकी सांस फूलने लगी थी, तो तब ये नीचे लेट रही थी ऐसे और फिर भी मान रही थी। और ये बच्चे ना बड़ी मस्ती करते हैं, इनका मन होता है भागने दौड़ने का, तो तब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी देर खुला छोड़ा है। तो जब ये थोड़ी देर दौड़ भाग कर लेते हैं ना, तो तब फिर इनका मन भी शांत हो जाता है, नहीं तो इनको लगा रहता है कि दौड़ना है भागना है। और अब ये ना अपनी मम्मा को मस्का लगा रही है यहाँ पे, ये बोल रही होगी इसको कि मुझे ना दूध पिला दे। और यहाँ पे अभी हरदीप भी आ गया है, और हरदीप ने यहाँ पे ये देखिए ये सिलेंडर के लिए लाया है स्टैंड। तो इसने बोला कि अभी नई रसोई में जाएंगे ना ऊपर, तो वहाँ पे टाइल लगी हुई है, और टाइल में सिलेंडर कैसे ले जाएंगे, उठा करके तो ले जा सकते हैं, तो तब इसके ऊपर रखेंगे सिलेंडर को और ऐसे सिलेंडर चला जाएगा आराम से। देखिए और ये भी देखे आया है हरदीप, इसका अभी मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, क्या है हरदीप, ये एक्सरसाइज करने का है। और हरदीप ये लेके आया है मेरे लिए ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए, ये देखिए, तो ये मुझे तो इकट्ठा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो डेली एक्सरसाइज किया करूंगी ना तो तब आदत हो जाएगी मुझे फिर। ये देखिए हरदीप कितने फास्ट कर रहा है, तो मैं तो ऐसे कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी उंगलियाँ इतनी जल्दी इकट्ठी भी नहीं होती है और इनमें इतनी जान भी नहीं है, तो शायद एक्सरसाइज करती रहूँगी तो तब ये थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। ये देखिए अभी मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है, तो अब डेली एक्सरसाइज किया करूँगी इससे मैं। तो अभी शाम के 5:15 बज गए हैं, और अभी ना हरदीप भी आ गए हैं, तो मुझे अभी खाना बनाना है क्योंकि सुबह मैंने खाना नहीं बनाया था, हमने ब्रेकफास्ट किया था तो वो शाम का ही खाना बचा था, तो फिर मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया था, मैंने बोला कि आज हमारे पेंटर आएंगे, तो तब सोचा था मैंने कि दिन में हम लंच तो बनाएंगे ही, तो फिर पेंटर हमारे आए नहीं और फिर खाना भी नहीं मैंने बनाया। मैं भी हरदीप का इंतज़ार कर रही थी, मैंने बोला कि जब हरदीप आएगा तभी बनाऊंगी। और खाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए हरी पत्तियाँ निकाली है साग की, तो मुझे बनाना है पनीर, तो पनीर में डालनी है मुझे ये हरी पत्तियाँ, इनकी ग्रेवी बनानी है। वैसे पालक तो है नहीं, नहीं तो पालक पनीर बनाना था, पर ये हरी पत्तियाँ ना पालक का ही काम करेंगी, ये राई की पत्तियाँ हैं। और दिन में फिर खाना इसलिए भी नहीं बनाया था मैंने क्योंकि मैं आज दिन में गाँव में गई थी, तो मुझे कुछ काम था, तो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी, तो मुझे कुछ लाना था तो आज मैं लेके आई नहीं हूँ, तो 2-3 दिनों के अंदर मैं अगर लेके आई ना, मतलब जो कुछ मुझे लाना है, तो वो सरप्राइज़ है अभी आप लोगों के लिए, तो जब लेके आऊँगी तब आपको भी बताऊँगी। तो तब वीडियो में मैंने दिखाया नहीं था कि मैं गाँव में गई थी, तो तब भी खाना नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं लगा फिर, तो थोड़ा टाइम तो मेरा गाँव में वेस्ट हो गया, तो उस वजह से खाना बनाने को मैं हो गई हूँ लेट। तो अभी ये जो हमारा खाना बनेगा ये शाम का ही खाना बनेगा, तो अभी चलती हूँ रसोई में खाना बनाने को, पर उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।